बिहार और पूरे देश में चर्चित खान सर को लेकर के अब एक बार फिर सुर्खियों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि खान सर बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। वो खान सर पटना वाले खान सर जिनके बारे में आजकल हर कोई जानता है। खान सर न सिर्फ अपने पढ़ाई की वजह से बल्कि कई बातों को लेकर के जो वो अपनी बातों को स्पष्ट तौर से रखते हैं इस चीज के लिए भी जाने जाते हैं। खान सर को लेकर के अब एक बार फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि खान सर जो कि बिहार के राजनेताओं के बारे में कई बार पढ़ाते पढ़ाते टिप्पणी भी किया करते थे, वो अब बिहार की राजनीति में खुद एंट्री लेने वाले हैं। और अगर बिहार की राजनीति में खान सर एंट्री लेते हैं तो कौन सी पार्टी होगी, क्या विधानसभा क्षेत्र होगा, विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें खान सर को लेकर के कही जा रही है, इन तमाम सवालों के साथ हम आज पहुंचे आपको बताएंगे पूरी खबर। उससे पहले नमस्कार, आप सीट्यूब न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। आज सुबह से खान सर की फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। खान सर की फोटो जेडीयू के एक बड़े नेता के साथ वायरल हो रही है। खान सर को लेकर के कहा जा रहा है कि खान सर बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। और अगर खान सर बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं तो जाहिर सी बात है ये खबर सबके इंटरेस्ट की हो जाती है। इसीलिए हम ये बात भी आज आपको बताने के लिए आए हैं। खान सर को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है कि खान सर बिहार में अब राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। बता दें आपको कि खान सर की एक फोटो जो वायरल हो रही है उसमें खान सर जेडीयू के एक बड़े नेता जिनका नाम मनीष कुमार वर्मा है, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है, उनके साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। बता दें आपको कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव से खान सर मिले थे, जिसके बाद से ये अटकलें तेज हो गई है कि अब खान सर क्या बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से नए नए चेहरों को उतारने की कोशिश कर रही है। कई लोग बड़े बड़े चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में खान सर का जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के साथ एक फोटो वायरल हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसके साथ वो लिखे है कि आज पटना आवास पर बिहार और देश के जाने माने शिक्षक खान सर का आना हुआ। उनके साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने सहित बिहार के विकास को लेकर सार्थक चर्चा हुई। निश्चित रूप से बिहार सहित पूरे देश में छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को सुलभ बनाने में आपकी भूमिका सराहनीय है। खान सर की तारीफ जेडीयू के बड़े नेता कर रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े ही करीबी बताया जाते हैं मनीष कुमार वर्मा। और एक बार फिर अब मनीष कुमार वर्मा से जब खान सर की मुलाकात हुई है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लिहाजा लोग ये अटकलें लगाने लगे हैं कि खान सर क्या बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि आज पहली बार ऐसा दृश्य देखा गया है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोक चौधरी के साथ खान सर मिलने के लिए गए थे और वहां पहुंचकर उन्होंने सीएम नीतीश से मुलाकात की थी। उसके बाद अब एक बार फिर राष्ट्रीय महासचिव से मिलने के बाद ये अटकलें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं कि क्या खान सर बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। वो खान सर जो पढ़ाते हैं और पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, क्या वो अब बिहार के राजनेताओं के साथ बैठेंगे और बिहार पर राजनीति करेंगे। इसको लेकर के कई लोग जो है वो सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें भी लिख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि खान सर जैसे नेता की जरूरत भी है। खान सर जो एक अच्छे शिक्षक हैं, जो छात्रों को पढ़ाते हैं अपने अलग अंदाज में पढ़ाए जाने के लिए खान सर जाने जाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पैसों की दिक्कत होती है, फिर भी खान सर उन्हें पढ़ाते हैं। एक समाज सेवी के तौर पर भी खान सर को देखा जाता है। ऐसे में खान सर का बिहार की राजनीति में आना कई लोग इसको लेकर के सराहनीय कदम बोल रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, खान सर शायद बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे। इसको लेकर के जो है अब खान सर की तरफ से अभी तक कोई भी बातें नहीं कही गई है। क्या खान सर सच में जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं? क्या खान सर 2025 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? और अगर खान सर 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा जिससे खान सर चुनाव लड़ने वाले हैं।
इसको लेकर के अटकलों का बाजार काफी गर्म है। हालांकि आप बता दें कि खान सर के तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। खान सर के तरफ से ऐसा कोई भी बात अभी तक नहीं कहा गया है जिससे ये साबित हो कि खान सर बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं। लेकिन तस्वीरों की वजह से और खान सर की जेडीयू में लगातार दिख रही एक्टिविटी की वजह से ये कहा जा रहा है कि खान सर हो सकता है कि जेडीयू ज्वाइन करें और जेडीयू ज्वाइन करने के बाद 2025 में जेडीयू के उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा से कोई किसी सीट से चुनाव लड़े। ऐसे में खान सर की लोग को लेकर के लोग जो है वो काफी ज्यादा बातें भी अब करने लगे हैं कि क्या खान सर सही में बिहार की राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं और खान सर की जरूरत बिहार की राजनीति में है। ये बातें भी सोशल मीडिया पर काफी तेज हो चुकी है। फिलहाल देखना यह होगा कि इसको लेकर के खान सर की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है और क्या सच आने वाले दिनों में खान सर जेडीयू ज्वाइन करेंगे और बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे।